नमस्कार, आपके 9 बज चुके हैं और यह वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हादसे से जुड़ी खबर के साथ। कोचिंग सेंटर हादसे पर भड़के छात्रों ने दिल्ली में जगह जगह पर जोरदार प्रदर्शन किया है। उग्र छात्रों ने दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय की तस्वीर पर कालिख भी पोत दी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के दर्दनाक वीडियो भी सामने आए हैं। इस वीडियो में भयानक हादसे के वक्त मौत के तहखाने में रूह कपा देने वाले दृश्य दिखाई दिए। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए दिल्ली में कितने डेथ चैम्बर। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए हैं, उसकी जांच हो रही है। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया। ये सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल ये भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे तीन जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांग पाए। गटर के पानी में दम घोटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं जहां तीन छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई। लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदेश चौहान नाम के चश्मदीद ने ये वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया, बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी।
कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डालविन की उम्र 28 साल थी। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम ना होने की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम भी लगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेसमेंट हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एमसीडी मेयर पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने हादसे को हत्या करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि पिछले महीने हुई एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में जल भराव हो रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे पर गरमाई राजनीति के बीच परिजनों के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी के रिश्तेदार की ये दर्द भरी मांग की सुनवाई कौन करेगा। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की अवैध फैक्ट्रियों की भरमार है, जहां नियम कायदे की परवाह किए बगैर छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देखना यह है कि कोचिंग सेंटरों के कितने तहखाने पर ताला लगता है। पाकिस्तान की लड़की से प्यार और वीडियो कॉल से शादी के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। रहमान की पहली बीवी ने कतर से फोन पर ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। पाकिस्तान वाले प्यार में नया ट्विस्ट, महविश के लिए छोड़ा बीवी का साथ, फरीदा को फोन पर दिया ट्रिपल तलाक। चूरू जिले के रहमान ने जिस पाकिस्तान वाले प्यार के लिए बॉर्डर लांघ कर बीवी से बेवफाई की और उसे फोन पर ट्रिपल तलाक कहकर अकेला छोड़ दिया, उस पत्नी ने भी ससुराल और समाज की सीमाएं तोड़कर मासूमों को हक दिलाने की ठानी है। महविश के भारत आने के बाद हनुमानगढ़ में रह रही फरीदा के सब्र का बांध टूट गया। फरीदा अपने पिता के साथ सीधे थाने पहुंच गई। उसने रहमान और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मामला की बेटी फरीदा है, ये फरीदा का विवाह 2011 में गांव पे तीसर जिला चूरू के निवासी रहमान के साथ हुआ था। आज उसी रहमान ने फरीदा को और अपने बच्चों को धोखा देते हुए एक पाकिस्तानी महिला के साथ विवाह करने की वीडियो जारी कर। फरीदा का कहना है कि 17 मार्च 2011 को चूरू जिले के पीतीसर गांव के रहने वाले रहमान खान से उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद रहमान विदेश चला गया। उसने रहमान के बिजनेस के लिए परिवार की ज्वेलरी तक बेच दी। फिर अचानक
एक साल पहले रहमान के पाकिस्तानी महिला से संबंध के बारे में पता चला। विरोध किया तो ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच वो अपने पिता के यहाँ आ गई। कुछ दिन बाद रहमान ने भी फोन पर 3 तलाक कहकर पल्ला झाड़ लिया। फरीदा ने रहमान की बीवी होने का दावा करने वाली महविश को पाकिस्तानी जासूस बताया है। वहीं फरीदा के पिता ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे मेरे बच्चों का मेरे बेटे हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़की आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की जिंदगी बर्बाद करी, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ इसके लिए कोई कुछ हल निकाले ताकि दूसरे बच्ची की जिंदगी खराब ना हो। 27 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर से चूरू पहुंची महविश का दावा है कि उसने पीतीसर गांव के रहमान से वीडियो कॉल के जरिए शादी की है, फिर सऊदी अरब के मक्का में निकाह कर लिया। वो रहमान के कहने पर टूरिस्ट वीजा लेकर ससुराल को जानने समझने आई है। पाकिस्तान से आई हूँ तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं, उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ तो मैंने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यार मिला मुझे इनसे। सवाल फिर वही है, पहले सीमा और अब महविश, पाकिस्तान से आखिर 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस मामले की जांच में जुटी है, देखना होगा मोहब्बत का ये फसाना कौन से अफसाने गढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और पाकिस्तान से आई बहू महविश अपने ससुराल में खूब काम कर रही है और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल भी रख रही है। महविश को राजस्थान आए 1 से 2 दिन ही हुए हैं लेकिन वो अभी से राजस्थानी पकवान बनाने लगी हैं और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां भी खिला रही हैं। देखिए रिपोर्ट। प्यार मोहब्बत से रहे, ठीक है, मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ। दिल में रहमान बिदनी फ्रॉम पाकिस्तान, एक और सीमा पार इश्क चढ़ा परवान। पाकिस्तानी बहु बनाए राजस्थानी पकवान। पहले पाकिस्तान से सीमा आई, अब महविश। पूरे देश में एक और पाकिस्तानी बहु की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से आई महविश का गृह प्रवेश तो हो ही चुका था लेकिन अब उसने घर भी संभाल लिया है। चूरू के पीथीसर गांव में अपने ससुराल में महविश फुल ऑन देसी अंदाज में नजर आई। महविश अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही। अपने ससुराल में महविश ने देसी अंदाज में राजस्थानी खाना बनाया और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। सास ने उसे राजस्थानी मतीरी, टेंडसी और ग्वार की फली की सब्जी बनाना सिखाया। वहीं महविश ने परिवार के लिए चाय भी बनाया। महविश को ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है और अब उसे कुवैत में रह रहे रहमान का भारत में आने का इंतजार है। अभी रहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं, उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था, इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं की है, हमने निकाह की है। कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया अदालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में किया।
इधर पाकिस्तान की दुल्हन को पाकर परिवार के लोग खुश भले ही हो, लेकिन इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। महविश से निकाह करने वाला दो बच्चों का पिता रहमान अभी कुवैत में है और महविश पीथी सर में। वहीं हनुमानगढ़ के भादरा में रह रही रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने रहमान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन इस पर महविश का कहना है कि रहमान उसके शौहर है और अल्लाह ने उन्हें मिलवाया है। मैं पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से आई हूँ, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं, उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने अपने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है, और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यार मिला। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने क्योंकि वो मेरे शोहर है, अल्लाह ने मैं मिलवाया है, हमारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर रहमान की मां ने कहा कि पाकिस्तान से आई उसकी बहू उसे काफी पसंद है और उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगी। मेरी बहू बहुत बढ़िया है, बहुत नवाजी परवरिश है। अब गलत दुनिया बोले गया तो बीड़िया में से डेडी है, तो सब कुछ करेड़ी है। मैं 2 साल बात करी हूँ इससे, 5 टाइम की नमाज, 7 टाइम की पढ़े नमाज, आज 7 टाइम की नमाज पढ़े। सुबह उठिए 5 बजे, 5 बजे उठ के ससुरा ने चाकर के दिए, मन ने चाकर के दिए नमाज पढ़ के, हैं और आंगने की बारी तारी है, पोछा मारे है, और अब बने सको खानो बना के दिए, ससुरा ने खुलाए, मानस ने खुलाया, सभी बना के पिलाने ला रही हूँ। मेरे बेटो पसंद करिए तो मेरे बेटे का मैं साग हूँ। बहरहाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने भादरा थाने में पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की महविश अपने ससुराल में खुश हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे आगे क्या होता है। न्यूज 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है। अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें आग लगने की सूचना मिल रही है। 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो अगरबत्ती फैक्ट्री से आग की धधकती लपटे उठी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्वकर्मा और हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। असिस्टेंट फायर अफसर भवर सिंह के निर्देशन में आग बुझाने का काम किया जा रहा है। करीब 3 मंजिला ऊंची इमारत में अगरबत्ती की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर कई दमकल की गाड़ियां इस वक्त पहुंची हुई और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। क्या हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर लोग मौजूद थे, इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला है। और दौसा से बड़ी खबर है, जेल से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धमकी देने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। जिस व्यक्ति के नाम से सिम जारी हुई थी, उससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। तो आपको बता दें कि पापड़दा थाने में पूछताछ हो रही है। हालांकि फर्जी तरीके से दस्तावेजों का उपयोग कर सिम जारी करवाने का ये पूरा मामला नजर आ रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं, जहां पर जेल से सीएम को धमकी देने का ये पूरा मामला है और उसी को लेकर के अब पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, पूछताछ भी की जा रही है। तो जिस व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड पाया गया है, उसे अब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि अभी यही लग रहा है प्रथम दृष्टया कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी किया गया है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, डीआईजी मोनिका अग्रवाल जेल पहुंची है, 10 मोबाइल मिलने की जांच अब की जा रही है। जेल की सुरक्षा सेन मामले में बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है, लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो कौन कौन से जेल कार्मिकों की लापरवाही या मिलीभगत हो रही है, इसको लेकर के अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। डीआईजी मोनिका अग्रवाल जो है जेल पहुंची है, अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।